दोस्तों नमस्कार फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में दिखाने वाले हैं झारखंड में कोरोना के कारण रोड्स किस तरह सुनसान हो गए हैं। मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव बताने वाला हूँ और फिलहाल मैं ड्यूटी में जा रहा हूँ और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको रास्ते भी दिखाता चलूँ। तो अभी अगर आप ड्राइव करते हैं रास्ते में तो यकीन मानिए कि ड्राइविंग का आपका एक्सपीरियंस, ड्राइविंग का जो आपका रोमांच है वो बढ़ जाएगा। बस आपका स्पीड का थोड़ा ख्याल रखिएगा। और झारखंड का रोड ये मैं जा रहा हूँ धनबाद टू बोकारो, ठीक है। और ये रोड का नज़ारा देखिए, अभी कोरोना वायरस की वजह से कुछ लोगों को ही परमिट मिला हुआ है, जैसे कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं या फिर डिफेंस में है, पुलिस डिपार्टमेंट में, उन लोगों को परमिट मिला हुआ है कि आप कहीं भी इमरजेंसी सर्विस के लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये चीज़ दिया हुआ है। तो दोस्तों कोरोना वायरस के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि झारखंड में अभी तक तो दस्तक नहीं दिया हुआ था, लेकिन आज तक का जो करंट न्यूज़ है वो झारखंड में लगभग 5 से 6 के आसपास कोरोना जो पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी झारखंड के हमारे व्यूअर हैं, जो भी झारखंड के लोग हैं, उसको मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस जो है बताया गया है उसको आप फॉलो करें। बहुत लोग फॉलो नहीं करते हैं, बोलते क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं होता है, हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है। तो दोस्तों ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि एक कोरोना वायरस ऐसा चीज़ है जो आप एक कह सकते हैं कि अगर कोई देखने जैसा चीज़ रहता तो आप उसको जमकर मुकाबला करते, ये भी उम्मीद है। लेकिन ये आप ऐसा एक दुश्मन कहिए या फिर ऐसा एक हथियार कहिए जो आपको अदृश्य होकर रहकर आपको मौत के घाट सुला सकता है। इसका बस एक ही इलाज है कि आप जितनी हो सके आप इससे बचिए, क्योंकि अभी तक इसका एंटीडोज नहीं निकाला जा सका है। और उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी इसका एंटीडोज निकल जाए ताकि थोड़ा सा इसका जो डर है, कहर है, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कि जो एक बार इसकी चपेट में आ जाते हैं तो फर्स्ट स्टेज में अगर वो सेल्फ आइसोलेट करके अगर उसका सही से ट्रीटमेंट किया जाता है तो बहुत लोग रिकवर भी हो जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं। तो इस चीज़ के कारण पूरा डर का माहौल है। तो इसलिए मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा फॉलो कीजिए और आस पड़ोस साफ सफाई का ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, हाथ धोइए। और अगर आप हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं तो आपको खासे आपको सतर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स लोग, हेल्थ जो कर्मी होते हैं उसके ऊपर भी कोरोना वायरस का असर देखा गया है। तो इस चीज़ को आप खासे ध्यान रखिएगा। और चलिए मैं आपको दिखाता चला रोड, देखिए इतना अच्छा रोड है। साइड साइड में जो झारखंड का होता है पौधा, पेड़ होता है पलास, वो पलास का फूल भी आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छा लगता है जब साइड साइड में पलास का फूल दिखता है तो बहुत ही अच्छा रोमांचक लगता है और रोड की खूबसूरती बढ़ा देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बस यही बताना चाहूँगा कि आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। और उम्मीद है जो लॉकडाउन है ये उम्मीद है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, 14 अप्रैल से आगे नहीं बढ़ना चाहिए और कुछ दिन बाद इसका डाउनफॉल स्टार्ट होगा। हालांकि अभी तक डाउनफॉल स्टार्ट नहीं हुआ है, ये अपने आप में बहुत दुखद बात है। और इसका जल्द ही डाउनफॉल स्टार्ट होगा और जैसे ही डाउनफॉल स्टार्ट होगा जो इसकी संख्या बढ़ रही है, पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही, वो जब कम होना स्टार्ट हो जाएगा तब ये लॉकडाउन भी ख़त्म हो जाएगा और हमारी जो दिनचर्या है, पूरा जो बिजनेस ठप पड़ा हुआ है, पूरा इंडिया, पूरा झारखंड जो ठप पड़ा हुआ है, वो फिर से चलेगा, फिर से लोग अच्छे से कमाएंगे, अच्छे से खाएंगे, अच्छे से रहेंगे, जाना आना सारा कुछ करेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपको इस वीडियो में झारखंड का रोड भी दिखाते चल रहा हूँ, ड्राइव करते भी चल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं रोड में सिर्फ कुछ जानवर, पक्षी और 2-4 लोग मिलेंगे, बाकी आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, सिर्फ सन्नाटा रास्ता मिलेगा। और इस रास्ते में आपकी जो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है, ड्राइविंग का रोमांच है, वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो मैं अभी आ गया हूँ घाटी में, और घाटी में अगर कहा जाए तो इसको, अगर देहाती भाषा में कहा जाए तो इसको हम लोग बचपन में जलेबिया मोड़ कहते थे, जलेबी मोड़। जलेबी मोड़ का मतलब हो गया कि जो लोग जलेबी खाते होंगे
उसको पता है कि जलेबी जिस तरह गोल गोल रहता है उस तरह से यहाँ पर मोड़ भी पूरी तरह से गोल रहता है, आप इसको स्पीड से पार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जलेबिया मोड़ है जिसको घाटी के काट काट कर बनाया गया है, और आप देख रहे हैं कि रोड पूरा सुनसान है, कुछ लोग पैदल से आ रहे हैं साइकिल से, और कुछ लोग आपको बाइक से मिल जाएंगे, और पूरा रास्ता खाली है। ये वही रास्ता है जहाँ पर काफ़ी ट्रक्स और बस वगैरह चलती थी, लेकिन अभी आप देखिए पूरा का पूरा सुनसान पड़ा हुआ है, और ड्राइविंग करने में बहुत ही मज़ा आएगा। झारखंड का रोड, ऐसे भी झारखंड का जो नाम होता है वो झाड़ झंखार के नाम पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर जंगल्स पहाड़ काफ़ी मिलेंगे और वातावरण काफ़ी शुद्ध मिलेगा आपको, और ख़ास करके बोकारो, झारखंड, गिरिडीह, हजारीबाग, ये सब जो क्षेत्र हैं ये बहुत अच्छे क्षेत्र हैं। तो दोस्तों, और अगर आप घर में हैं तो कोशिश कीजिए कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, ये घर से ही कीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन से कीजिए, इंटरनेट से कीजिए, तो आप तो अच्छे से कर पाएंगे। बाकी सभी लोग जो हैं वो घर से ही काम कर रहे हैं, और घर से काम करके वो अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं। हालांकि कुछ कंपनीज में यहाँ पर आपको विड्रॉ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बैंकिंग सर्विसेज जो है वो सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, फाइनेंशियल या फिर आपको ऑफिशियल वर्क, हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए खुला रहता है, जनरल पब्लिक के लिए खुला नहीं रहता है, और जनरल पब्लिक जा भी नहीं पाते बैंक, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको विड्रॉ में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सभी कंपनी विड्रॉ को प्रॉब्लम नहीं है, और बाकी अगर इंटरनेशनल में आप काम कर रहे हैं, कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे राजो हो गया, क्राउड वन हो गया, या फिर पर्ल वाइन हो गया, फॉरेक्स वाइन है, डेल्टा वाइन है, ये सब में अगर आप काम कर रहे हैं तो कुछ मैक्सिमम कंपनियां यहाँ पर आपको बिटकॉइन में भी विड्रॉ देती है, तो आप बिटकॉइन में आराम से विड्रॉ ले सकते हैं। और बिटकॉइन में जब आप विड्रॉ ले लेंगे तो आप वहाँ वजीर एक्स से जो है आराम से वहाँ INR में विड्रॉ कर पाएंगे। और अभी का अगर बिटकॉइन में अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो आपके सामने बेस्ट ऑप्शन है कि आप बिटकॉइन में ट्रेड स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिटकॉइन में जब आप ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो अभी बिटकॉइन का रेट जो है काफ़ी अच्छा है, और आपको कम रेट में अभी लगभग 5 लाख के आसपास में आपको बिटकॉइन का रेट मिल जाएगा। तो इस रेट पर आप बिटकॉइन को बाई कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हमें उम्मीद है कि बिटकॉइन का रेट जो है वो काफ़ी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी जो भी आपको लगता है कि इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसके लिए आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी को बाई करके रख लीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है अभी आपके टाइम, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग अभी रेट काफ़ी कम मिल जाएगा, और जब ये लॉकडाउन सारा सिस्टम ख़त्म होगा, मार्केट पूरा ऑन हो जाएगा, तब बिटकॉइन का रेट उम्मीद करते हैं कि 8 लाख या 9 लाख के आसपास पहुँच जाएगा, तो आपका यहाँ पर अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉइन्स या क्रिप्टो करेंसी या बिटकॉइन खरीदते हैं तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने रिसर्च और अपने अकॉर्डिंग ही खरीदें, ऐसा नहीं कि बिटकॉइन में लाखों, 5 लाख, 10 लाख लोन लेके, कर्ज लेके, या फिर अपनी जमीन पूंजी सारी लगा दें, ये किसी भी के लिए ठीक नहीं होता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, और इस तरीके से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप वजीर एक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो वजीर एक्स से आप वहां पर स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वजीर एक्स से प्लेटफॉर्म है ये बिटकॉइन ट्रेडिंग और क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट और सबसे ईजी आसान प्लेटफॉर्म है। सिंपली आपको यहाँ पर रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर करने के बाद आपको KYC पूरा करना पड़ता है, KYC में आपको बैंक डिटेल, पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह अपलोड करना पड़ता है, 1 से 2 दिन के अंदर आपका KYC भी पूरा हो जाता है। जब आपका KYC पूरा हो जाता है तब आप यहाँ से INR ऐड करके वहाँ पर बिटकॉइन ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अगले से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये पारसनाथ जो पहाड़ है इसका जो गेट है, ये गेट है, आप जानते होंगे पारसनाथ के बारे में, तो पारसनाथ का गेट इस गेट के अंदर गया, यहाँ से लगभग 500 मीटर या 1 किलोमीटर के अंदर ही है, तो ये पारसनाथ का गेट है जो यहाँ पर बहुत ही फेमस है, झारखंड का पारसनाथ मंदिर तो आप जानते होंगे। तो ये पारसनाथ का गेट जो भी क्रॉस कर गया, ये साइड से इधर लेफ्ट साइड में आप देख रहे होंगे पारसनाथ का पहाड़ दिख रहा है। ठीक है, तो ये पारसनाथ का पहाड़ झारखंड का बहुत ही दर्शनीय स्थान है, जो जैन धर्म के लिए काफ़ी विख्यात है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख रहे झारखंड का रोड है,
तो दोस्तों मैं बात करता हूँ ऑनलाइन अर्निंग के मुद्दे के बारे में। तो फ्रेंड्स, अभी के मार्केट में इंडिया में या फिर वर्ल्ड लेवल पर कहें तो बहुत सारे प्लान चल रहे हैं और लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, लेकिन इन सारे प्लान में मैंने रिसर्च किया, जो सबसे बेस्ट प्लान मुझे लगा आज के टाइम में वो राजू इंटरनेशनल है। क्योंकि मैंने इसको अपने स्तर से स्टडी किया, मैंने इसको सर्च किया, डॉक्यूमेंट्स के देखे, सारा प्लेटफॉर्म जो होता है वेबसाइट सर्वर वगैरह चेक किया, तो मुझे तो पूरा जेन्युइन लगा। और इसका डॉक्यूमेंट भी सारा कुछ है, रजिस्टर्ड भी है, इसके पास पैन कार्ड है, GST कार्ड है और लगभग 3-4 तरह के इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये क्राउड फंडिंग के क्षेत्र में काम करता है और इसका अपना शॉपिंग पोर्टल भी आने वाला है और इसका ट्रैवलिंग भी करवाता है। डोनेशन जो क्राउड फंडिंग जो है अनाथ बच्चों के लिए, वहाँ पर भी आपका काम करता है। तो बहुत सारी इसकी फैसिलिटी है और बहुत जल्दी इसका अपना एक राजो कॉइन भी आने वाला है। तो मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर आपने राजो इंटरनेशनल में ज्वाइन नहीं लिया है तो आपके सामने बेस्ट ऑप्शन है और सबसे बढ़िया मौका है कि अभी के टाइम में आप इंटरनेशनल में ज्वाइन ले लीजिए। क्योंकि ये प्लान इतनी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है कि मात्र 5 से 10 दिन के अंदर लगभग जो लीडर थे, मेरे टॉप रैंक जो लीडर्स थे, वो ऑलरेडी ज्वाइन ले चुके हैं और बहुत अच्छा फास्ट रोटो पुल दे रहा है। जिसने लगभग, मैंने खुद भी 14 मार्च को ज्वाइन किया था और मात्र 4 या 5 दिन के अंदर मेरा 2 ऑटो पुल जो होता है फर्स्ट रैंक का, वो 2 ऑटो पुल आ चुका है। मतलब कि इतनी तेज़ी से ऑटो पुल आता है कि दूसरे प्लांट्स इतना ऑटो पुल नहीं दे पाते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसके पास सारा डॉक्यूमेंट है, ट्रस्टेड है और बिल्कुल जेन्युइन प्लेटफार्म है। और सबसे दूसरी बड़ी बात है कि इसका क्लब इनकम भी बहुत फास्ट आता है। 4 क्लब, 16 क्लब, 64 क्लब, ये सारे क्लब में जो भी आप अचीव करते हैं इंस्टेंटली मिल जाता है आपको। तो अगर आप राजो क्लब में ज्वाइन लेना चाहते हैं आज के टाइम में तो आपके सामने बेस्ट है। बाकी आप अपने हिसाब से पड़ताल कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे राजो क्लब आज के टाइम में बहुत ही अट्रैक्टिव लगा है। तो इसके लिए भी अगर आप ज्वाइन लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लिंक से ज्वाइन ले लीजिएगा। और लिंक से ज्वाइन लेने के बाद आपको वहाँ पर एक व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, वो ग्रुप में भी शामिल हो जाएगी ताकि राजो क्लब से रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो अपडेट आपको मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आप यहाँ पर, मैंने बिटकॉइन में भी ट्रेड करके देख लिया है, मैंने बिटकॉइन से भी एक आईडी कल्टिवेट किया था, मात्र 2 सेकंड के अंदर बिटकॉइन से हमारी आईडी में फंड आ गया था और मैंने फंड से उसको आईडी को अपग्रेड कर लिया, आईडी को एक्टिवेट कर लिया। तो इनफैक्ट यहाँ पर मैं बस चेक कर रहा था कि बिटकॉइन से भी राजो का यहाँ पर फंड ऐड होता है या नहीं, बिटकॉइन का इसका जो पेमेंट गेटवे है वो सही रूप से काम करता है नहीं। लेकिन यकीन मानिए 2 से 3 सेकंड के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन में मेरा ऐड हो गया। तो अगर आप बिटकॉइन से राजो में ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर दीजिएगा। बाकी इसके लिए अलग से एक लाइव वीडियो मैं बना दूंगा। लेकिन एक चीज़ का आप सिंपली से ध्यान रखिएगा कि जो भी आप बिटकॉइन पेमेंट कर रहे हैं वो बिटकॉइन का चार्ज जो है सो उसमें से आपको माइनस नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप कहीं पर बिटकॉइन सेंड करते हैं ना, तो वहाँ पर बिटकॉइन या जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, WazirX है या फिर जो भी है आपका ब्लॉकचेन वगैरह, बाइनेंस वगैरह, तो कुछ चार्जेस काटते हैं। तो उस चार्जेस को देख लीजिएगा कितना चार्जेस काट रही है, तो उस चार्जेस को प्लस करके भेजिएगा। क्योंकि WazirX का जो बात है, अगर आप $34 ऐड करना चाहेंगे तो 00005 करके हुआ है वो आपको वहाँ पर ऐड करता है, देख लीजिएगा, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है, तो उसको ऐड कर दीजिएगा कैलकुलेटर में और ऐड करके जो टोटल अमाउंट होगा वो भेजिएगा और वहाँ पर एग्जैक्ट अमाउंट भी दिखा देगा कि ये आपका एग्जैक्ट अमाउंट वहाँ पर सेंड होगा। तो इस चीज़, अगर आप थोड़ा सा भी 1 पॉइंट या 0.02 पॉइंट भी कर देंगे ना, तो आपका जो पेमेंट जो अटक जाएगा और आपका पेमेंट कभी भी कन्फर्म नहीं होगा। क्योंकि ये आपको पता है कि जो भी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करता है, इसके पीछे पूरा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ये कोई ऐसा सर्वर नहीं है, आपको कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप वहाँ पर रिक्वेस्ट डालेंगे तो फिर से आपका वहाँ कन्फर्म हो जाएगा, वो आपका अटक ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। बाकी ये सिस्टम जो है पेमेंट गेटवे बहुत इंस्टेंटली काम करता है, तो आप राजो भी कर सकते हैं। बाकी पर्ल वाइन के बारे में बात करना चाहूँगा, तो पर्ल वाइन में ऑफर भी चल रहा है। अगर आप सिर्फ आईडी को रजिस्टर्ड किए हुए हैं, अभी तक एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो अभी इस ऑफर में आप एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑफर में आपको $19 यानी कि $19 से ही ज्वाइनिंग हो जाएगा, जो आप शायद 1400 या 1500 के आसपास होता है उसमें से आपके इतनी मात्रा में ही ज्वाइनिंग हो जाएगी। और ये ऑफ़र कुछ महीने जून तक ही वैलिड है, तो जून तक के अंदर अगर आप आईडी को एक्टिवेट करना चाहते हैं जितनी जल्दी, वो आप ऑफ़र के तहत एक्टिवेट कर सकते हैं। ये आपको एक्टिवेट करने के बाद पर्ल रैंक मिल जाएगा और पर्ल रैंक मिलकर यहाँ पर, यहाँ से काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऑफ़र
ये कोविड 19 जो इसका वैज्ञानिक नाम है कोरोना का, इसी की वजह से 19 जो होता है 19 का यहाँ पर अमाउंट भी रख दिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पर्ल वाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करूँ पर्ल वाइन का, तो ये पूरा ट्रस्टेड बन चुका है आज के टाइम में। सबसे ज़्यादा अगर ट्रस्टेड कोई सिस्टम है, सॉफ्टवेयर है, तो ये पर्ल वाइन ही है, जिसने लगभग 2-2.5 साल से इंडिया में पूरा एक पहचान बना चुका है, ट्रस्ट जीत चुका है और लोगों को बिलीव हो चुका है। क्योंकि इसके कॉपी करके बहुत सारे प्लान आए, मेरी जानकारी में तो लगभग 20 या 22 प्लान आ चुके हैं इसका कॉपी करके, और बिना मेरी जानकारी में और भी हो सकते हैं। लेकिन सारे प्लान जितनी तेज़ी से आए हैं पर्ल वाइन का कॉपी कर करके, वो सारे प्लान उतनी ही तेज़ी से चले गए हैं। मात्र 2 या 3 प्लान टिके हुए हैं जो अभी भी अपने दम पर काम कर रहा है, जैसे कि हो गया आपका डेल्टा वाइन नंबर 1 में, और दूसरे ने हो गया आपका हॉरेक्स वाइन। तो ये दोनों काम कर रहे हैं, बाकी सारे जितनी तेज़ी से आए थे अंधड़ तूफान से आए, बगुले की चाल से निकल गए। तो रियल में अगर आप पर्ल वाइन में काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत लेट हो गया, अब ऑटो पुल बहुत लेट से आता है, एक्चुअली ऑटो पुल लेट से आता भी है, प्लान ए का जो है पर्ल और कोरल वगैरह का बहुत लेट से आता है, फर्स्ट ऑटो पुल आने में ही आपको 9-10 महीने का टाइम लग जाता है 0.4 में, तो वो बहुत नाम मात्र का होता है। लेकिन अगर आप फास्ट विथड्रॉल लेना चाहते हैं, फास्ट अगर आप ऑटो पुल चाहते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज के टाइम में जो अभी भी स्टार्ट ही हुआ इंडिया में, इसकी स्टार्टिंग एग्जैक्ट अगर है तो आपको 17 फरवरी में ही ये स्टार्ट हुआ है 2020 में। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बस आप अभी स्टार्ट कर दीजिए, इसका ऑटो पुल बहुत फास्ट मिलता है। क्योंकि देखिए कोई भी प्लान में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टाइमिंग का बहुत ही इशू रखता है, टाइमिंग बहुत मायने रखता है। सही टाइम पर अगर आप सही डिसीजन करते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। और हाँ, अगर आप काम करेंगे, ऐसा नहीं कि आपने इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दिया, 1-2 लाख, 5 लाख इन्वेस्टमेंट कर दिया और आराम से सोचते हैं कि मेरा पैसा डबल हो जाएगा, तो अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टिंग के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत वर्क भी करना होगा। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो फिर आपका वो इन्वेस्टमेंट निकल नहीं पाएगा और आपको वहाँ पर लॉस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, कीजिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी कीजिए, तब आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाएंगे। तो मेरे सामने सामने एम्बुलेंस चल रहा है और यहाँ पर देखिए, हाँ, रोड इतना मज़ा आ रहा है रोड में कि मैं आराम से वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। नहीं तो वैसे जनरल दिन में इतनी सारी गाड़ियाँ आती थी कि चलाना भी, वीडियो बनाना सोचना भी मुश्किल था। ट्रक्स इतने सारे आते थे क्योंकि बगल में ही यहाँ पर कोल माइंस है और कोल माइंस के कारण वहाँ से ट्रक्स जो कोयला निकाला जाता है वो फैक्ट्रियों तक पहुँचाया जाता है, जिसके कारण ट्रक्स का जो है सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैफिक रहता था। लेकिन अभी देखिए रास्ता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा ओवरटेक करता हूँ, हालाँकि ओवरटेक एम्बुलेंस को नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं इसको ओवरटेक कर लेता हूँ, क्योंकि भी रास्ता भी है, इसे भी ओवरटेक करने, रास्ता सही हो तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिद में आकर ओवरटेक किसी को नहीं करना चाहिए, ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप हमेशा सीट बेल्ट को लगा के रखिए, ये आपको आदत बनाइए, ऐसा आदत बनाइए कि जब आप ड्राइविंग सीट पर जैसे ही जाएं और बिना सीट बेल्ट के आप चलना स्टार्ट करें तो आपको लगे कि कुछ कुछ खुला रहे, आपको मतलब खुद ब खुद हाथ आपको सीट बेल्ट पर चला जाए। तो इस आदत को बनाइए, ये आदत आपके सेहत के लिए और आपके पूरे फैमिली के लिए बहुत अच्छा होता है। बाकी आपको ट्रैफिक लाइन में, गाइडलाइंस में, इससे फाइन से बचने के लिए भी होता है, लेकिन फाइन की बात तो अब दूर है, आप सेफ रहेंगे तो सब कुछ सेफ रहेगा। तो आप सीट बेल्ट का हमेशा उपयोग करें जो भी आप गाड़ी ड्राइव करते हैं। बाकी अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं तो हमेशा हेलमेट पहनिए। कुछ लोग हेलमेट इसलिए नहीं पहनते हैं कि उसको लगता है उसका लुक खराब हो जाता है, तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़िंदगी है तो लुक बुढ़ापे में मिल जाएगा, 60 साल के बाद भी लुक मिल जाएगा, लेकिन अगर ज़िंदगी नहीं तो उस लुक का क्या फ़ायदा। तो लुक पर ना जाइए, और ऐसे भी मुझे लगता है कि हेलमेट पहनकर आपका लुक बढ़ता ही है, क्योंकि हेलमेट अभी इतना सारा मार्केट में आ गया है जिसमें से आपको बहुत अच्छा लुक मिल जाएगा। तो लुक की या फिर हेयर स्टाइल की चिंता मत कीजिए, हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट लगाइए, ये आपके लिए सेफ है, आपके परिवार के लिए सेफ है, आपकी ज़िंदगी के लिए सेफ होता है। तो दोस्तों वीडियो लंबा हो गया लेकिन कोई बात नहीं है, आज के वीडियो में इतना ही। मैं बस आपको मेन था सोचा कि आराम से जब इतना रास्ता कट रहा है तो मैं आपको थोड़ा रास्ता भी दिखाता चलूँ और थोड़ा आपसे बात भी करता चलूँ। तो दोस्तों फाइनली आपको यही बताना चाहूँगा, बाकी
राजो में अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं लिए हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। राजो बेस्ट ऑप्शन है आपके सामने, और राजो से रिलेटेड फुल जो प्लेटफॉर्म है, फुल वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा। आज मैं जाऊँगा और आज ऑफिस से फ्री होकर मैं इसके वीडियो बनाऊँगा, और वीडियो बनाकर आपको फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको लेना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप का मेरा ग्रुप है, ग्रुप में शामिल हो जाएगा, आपका सारा डॉक्यूमेंट्स PDF और इसका जो जो मटेरियल्स होता है वो आपको मिल जाएगा। आप ज्वाइन कर लीजिएगा, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंस्टेंट कीजिए, और अगर आप किसी और प्लान में काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कीजिए, लेकिन मुझे तो अपने हिसाब से राजो बेस्ट लगा है, तो आप राजो कर सकते हैं, नो डाउट। दोस्तों देखिए कितना अच्छा सीन है, बगल में प्लस का फूल है, सामने छोटी सी पहाड़ी है, खुला रास्ता है, इतना मज़ा आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो लेकिन मैं आपको नहीं कहूँगा कि आप बाहर निकल कर ड्राइव कीजिए, मुझे चूँकि मजबूरी है जाना, क्योंकि मैं ड्यूटी छोड़ नहीं सकता, हेल्थ डिपार्टमेंट की ड्यूटी आपको पता है, जो लोग होंगे हेल्थ डिपार्टमेंट डिफेंस में इन लोगों की ड्यूटी अभी चालू है, बाकी सभी डिपार्टमेंट लगभग जो है डिपार्टमेंट बंद ही है, और वो आराम से घर में हैं, तो आप घर में ही रहिए। बहुत लोग कहते हैं भाई घर में क्यों रहेंगे, तो घर में रहना चाहिए, क्योंकि बहादुरी और बेवकूफ़ी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, बहुत कम ही फ़र्क होता है। तो अभी बहादुर बनने का टाइम नहीं है अभी, पर आपको कहा जाता है डरपोक बनने का टाइम है, क्योंकि आपका मुकाबला ऐसे शख्स से है या फिर ऐसे दुश्मन से है जो दिखता ही नहीं है, और किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, चाहे आपको फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, फॉरेनर हो, किसी भी रूप में आ सकता है, ठीक है। तो बस आप डरपोक बनिए थोड़े दिन सही, और आप इससे लड़िए, ठीक है, और अपने आप उम्मीद करते हैं ये कोरोना वगैरह खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों एक छोटा सा ये ब्रिज है जो उसको मैं पार कर रहा हूँ, रेलवे ब्रिज है, और अभी मैं पहुँचने वाला हूँ, एक जगह पड़ता है डुमरी, और डुमरी के बाद मैं धनबाद तरफ से होकर बोकारो जाऊँगा। तो ये रास्ता है, देखिए पूरा सुनसान रास्ता। दोस्तों ये डुमरी चौक है, और इससे पहले जस्ट एक चेक पोस्ट आया था जहाँ पर मुझे 5 मिनट रुकना पड़ा, और मुझे बोलना पड़ा